से जब चारों तरफ आया तब ये बात आई कि उसको छत से फेंका गया था। सुशांत सिंह राजपूत की बात आई, वो भी एक संघर्ष कर रहा था कलाकार, अपने ही क्षेत्र से जा करके वो छोटे स्तर से उठ करके वहां तक पहुंचा था। कुछ तथाकथित लोगों ने जो उसको प्रताड़ित करने का काम किया जिससे कि ये प्रकरण हुआ, आप सब जानते हैं। इस प्रकार से तमाम, तो मैंने ये शुरू में ये बात कही है ना कि ये केवल आकांक्षा दुबे की हत्या की बात नहीं है, उन तमाम युवक युवतियों के आकांक्षाओं की, उनके सपनों की हत्या है जो बढ़ना चाहते हैं आगे, अपने परिवार मतलब गरीबी में उठ करके आगे आना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कहीं उनके अंदर ये है कि तो आप लोगों ने जो आवाज उठाई है, परिवार के लोगों ने जो आवाज उठाई है, मैं तो उस माँ को धन्यवाद कहता हूँ कि कहते हैं ना कि जब महिलाएं दुर्गा बन करके सामने आती तो राक्षसों का संहार होता है। यहाँ तक कि मातृ शक्ति तो इतनी प्रबल है कि जो है काल के मुंह से भी सावित्री बन करके और अपने पति का को ले आती है। तो ये माताएं बहनें जिस प्रकार से आगे आकर के, ये मैं इस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसी माताएं बहनें इसके लिए आगे आए इस प्रकरण को लेकर के, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। जी चाचा जी, जैसा कि आज समर पकड़ा गया है तो इसके बारे में तो सब क्या कहना चाहेंगे आप? समर सिंह पकड़ा गया है और उसके खिलाफ हमारी सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई करे और न्याय दिलाए। अच्छा, और कुछ इसके बारे में समर से जुड़ा हुआ कुछ कहना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है चाचा जी कि सीबीआई जांच होगी। हाँ, सीबीआई जांच। अच्छा, हाँ, जांच की मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है, हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं मिलेगी हम लोग संतुष्ट नहीं है। एक एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे शुरू से मैंने बताया ये मामला हत्या का है, 302 लगना चाहिए आईपीसी की धारा, आज 306 मामला दर्ज किया गया आत्महत्या का, यानी प्रकरण को शुरू से ही संदिग्ध बना दिया गया कि आत्महत्या का प्रकरण है। अभी जांच चली रही है, आप 302 का मुकदमा दर्ज करते, अगर आपके विवेचना में ये बातें आती कि नहीं आत्महत्या के, तब आप 306 में कन्वर्ट करते, लेकिन शुरू में ही आपने 306 दायर कर दिया, कहीं ना कहीं अगर बहुत गलत। हाँ, चलिए, धन्यवाद।